वैल्यू एडेड मेथड डन, इनकम मेथड हो गया, अब लास्ट हमारा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि हमने नेशनल इनकम को प्रोडक्शन साइड से देख लिया कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, हमने इनकम साइड से देख लिया कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, अब हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। देखो हमारी इकोनॉमी में चार सेक्टर है, हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं, एक होता है हमारा हाउस होल्ड, दूसरा होती है हमारी फर्म्स, तीसरे होते हैं हमारे क्या गवर्नमेंट, और फोर्थ है हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन चारों से हमारे पास एक्सपेंडिचर कैसे कैसे किस किस फॉर्म में होता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो हमें एग्रीगेट मिलेगा जिसकी हेल्प से हम नेशनल इनकम निकालेंगे वो है GDP MP। एक्सपेंडिचर मेथड में ना कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसकी वजह से आपको पूरा स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से उन बारीकी से उन चीज़ को समझो जो मैं बताना चाह रही हूँ। पहली बात तो चारों सेक्टर से हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। ये जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये हमारे हाउस होल्ड्स के एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट वाला गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है हमारा किस साइड को, या चेंज इन स्टॉक, ये पूरा ये दो कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं किसको, फर्म्स को, और नेट एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो आप समझ गए होंगे कि हमारे हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं अलग अलग चीजों के ऊपर ये उसका सम टोटल है, हमारी गवर्नमेंट भी सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारे खर्चे करती है ये उस चीज का सम टोटल है। आपको इस कंपोनेंट को, इन दो कंपोनेंट्स को बहुत ध्यान से समझना है। पहली चीज तो ये, जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल कर रहे हो आप चेक करो, पहले आप इसी कंपोनेंट को ढूंढो, पहले आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है या सिंपल कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है। देखो फर्म्स जो खर्चा करती है, ये जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है ये वाला कंपोनेंट, इसका सीधा सा मतलब है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। याद है हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ा था थ्योरी में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? अब ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है किस चीज में, देखो दो चीजों पे इन्वेस्टमेंट कर रही है फर्म, या तो फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रही है फिक्स एसेट्स के ऊपर, या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही दे दी, दैट मींस उसके अंदर फिक्स इन्वेस्टमेंट भी है और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी है, फिर आपको अलग से चेंज इन स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं होती। क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनो, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो आपको चेंज इन स्टॉक नहीं लिखना होता। क्यों? क्योंकि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड होता है, उसमें फिक्स्ड एसेट्स वाली इन्वेस्टमेंट भी है और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है? ठीक है, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको थर्ड कंपोनेंट ही ढूंढना है कि वो फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है सिंपल कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, बस आप फिक्स्ड देख लेना। अगर फिक्स्ड लिखा है तो चेंज इन स्टॉक लेना है, फिक्स्ड नहीं लिखा तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेना, ठीक है? लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों लेना और क्यों नहीं लेना है, अब इस बात को आप ध्यान में रख लो कि फिक्स्ड लिखा है तो चेंज इन स्टॉक लेना है, फिक्स्ड नहीं लिखा तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेना। पहली बात समझ आई। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि क्या ये कंपोनेंट ग्रॉस दे रखा है, ये नेट भी होता है, ये सेम फॉर्मूला नेट के लिए भी हो सकता है, यहां पर ऐसे भी हो सकता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, या यहां पर नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो अगर आपको ये कंपोनेंट नेट दे रखा है, अगर आपको ग्रॉस की जगह पर यहां पर क्या लिखा हुआ है नेट, तो यहां पर GDP MP नहीं बनेगा, फिर वो बनेगा NDP MP। अब अगर आपने GDP MP लिख के या नेट लिख दिया स्टार्टिंग पॉइंट में ही, आपका न्यूमेरिकल गलत। तो मैंने आपको दो बातें ध्यान में रखने हुई हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन करें थर्ड कंपोनेंट ढूंढे सबसे पहले, तो ये हमें देखना है कि तीसरा कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है या सिर्फ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है? फिक्स्ड है तो चेंज इन इन्वेंट्री लेना है, फिक्स्ड नहीं है तो चेंज इन इन्वेंट्री नहीं लेना, ठीक? समझ आ गई पहली बात। दूसरी बात क्या देखनी है कि ग्रॉस है या नेट है। अगर तीसरा कंपोनेंट ग्रॉस का है तो GDP MP बनेगा, तीसरा कंपोनेंट नेट का है तो NDP MP बनेगा, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। बाकी सब नेट एक्सपोर्ट्स वगैरह तो एज इट इज है ना, नेट एक्सपोर्ट्स को हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से कैलकुलेट करेंगे। एक कंपोनेंट मिल जाए तो NNPFC बनाना मान ले कोई बड़ी बात नहीं है नेशनल इनकम, क्योंकि ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFI, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT, ठीक है? ये तो आपको आता ही है। एग्जाम्पल 32, कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। देखो दोनों से कैलकुलेट करना है, मैं लेकिन सिर्फ आपको एक्सपेंडिचर मेथड से करा रही हूँ, इनकम मेथड से आप एक बार खुद करके देखिएगा।
ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले थर्ड कंपोनेंट ढूंढेंगे। ढूंढिए जरा थर्ड कंपोनेंट। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, इम्पोर्ट्स है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पहला तो ये कि ग्रॉस दे रखा है, अगर ग्रॉस दे रखा है थर्ड कंपोनेंट तो क्या बनेगा यहाँ पे जीडीपी एमपी, ठीक है। और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो चेंज इन स्टॉक आएगा या नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। अब स्टार्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 550, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ढूंढो जरा कितना है, नीचे दे रखा है सबसे 60। फिर उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 120, चेंज इन स्टॉक आएगा या नहीं आएगा, देखो चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है 20 प्लस जब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ना हो। फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक भी नहीं है, फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक भी है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं क्या आपको क्वेश्चन में, नहीं, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट है हमारे पास 10 और इम्पोर्ट है हमारे पास 20, ठीक है। तो हमारा जीडीपी एमपी कितना आया, श्योर ये आया हमारा 740। हमें निकालनी है नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी, तो जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करोगे माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए और माइनस एनआईटी, 740 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है दे रखा है क्या क्वेश्चन में, देखो लिखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 10, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखे 20, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में, आईटी और सब्सिडीज हैं, देखो आईटी हमारे पास 100 और सब्सिडीज है हमारे पास 20, यानी कि 100 माइनस 20 ये आपका कितना आ रहा है 670 करोड़, ठीक है, क्लियर। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इसके नीचे ये एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 33 करने से पहले फिर से ढूंढो जरा थर्ड कंपोनेंट क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो ग्रॉस है, नेट है, कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन मिला, नेट मिला आपको, नेट मिला तो इसका मतलब यहां से हमें बनाना शुरू करना है क्या एनडीपी एमपी, ठीक है। देखो हमने देखा तो हमें पता चला ना कि एन यूज करना है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नेट दे रखा है तो इसका मतलब क्या बनाना है एनडीपी एमपी, ठीक है। आप जीडीपी एमपी भी बना सकते हो पर वही आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, तो ठीक है ना, हम कंपोनेंट यहीं से लेकर चलते हैं एनडीपी एमपी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या देखनी होती है, फिक्स लिखा या नहीं लिखा, नहीं लिखा, इसका मतलब चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है हमारे पास 2000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ढूंढिए जरा 600, नेट कैपिटल फॉर्मेशन लेंगे अब हम कितना 400, चेंज इन स्टॉक लेंगे क्या नहीं, दे भी रखा हो तो भी नहीं लेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स कितना है हमारे पास, नेट एक्सपोर्ट्स है हमारे पास 20, 3020, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, नेशनल इनकम निकालनी है एनएनपीएफसी, डीपी एमपी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, एन और एन सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी, ठीक है। एनडीपी एमपी हमारे पास 3020 प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 20, एनआईटी 400, ठीक है, कितना आ गया 2600 करोड़, ठीक है।